चार फाइंड जो कि मोबाइल के लिए सूटेबल है यानी लैपटॉप के लिए सूटेबल है, तो इसी कारण आपका जो कंप्यूटर या फिर आप जिसमें भी आप इंसर्ट करते हैं इस ऑक्स केबल को, वहाँ साउंड नहीं आता और आपका डिवाइस नहीं बताता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सेनहाइजर जो वायरलेस माइक्रोफोन है जिसका मॉडल है XS वायरलेस 1, इसके बारे में हम बात करेंगे हमारे वीडियो में। तो ये हमारे जो पैकेज में आता है ये हेडफोन है, मींस आपका मेन माइक्रोफोन जो कि आपका हेड में लगता है जैसे कुछ इस तरह से। मैं इसको हेड में लगा लेता हूँ कुछ इस तरह से, ये मेरा हेड में लग गया, अभी आप आवाज़ आ रहा है, ये मेरे जो डिजिटेक जो माइक है उससे आवाज़ आ रहा है, लेकिन मैं अभी इसको स्टार्ट नहीं किया। इसको स्टार्ट करना बहुत ही ईजी है, सबसे पहले ये है आपका ट्रांसमीटर और इसका रिसीवर को मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है, इसको पावर दे दिया हूँ। इसमें जो डीसी 12 वोल्ट का चार्जर आता है उसको मैं प्लग इन ऑलरेडी कर चुका हूँ और ये ऑन है। यहाँ पर 11 आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ, ये 11 आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको यहाँ पर पास ले आता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 लिख कर आ रहा है। और यहाँ पे कुछ बटन आपको देखने को मिल जाता है, जैसे यहाँ पर चैनल प्लस और माइनस है, यहाँ पर मिल जाता है वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम डाउन का एंड सिंक्रोनाइज एंड पावर बटन। अगर यहाँ प्रेस करोगे तो ये पावर ऑफ हो जाएगा, जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये पावर ऑफ हो गया और जैसे प्रेस करूँगा तो ये ऑन हो गया। तो यहाँ पर एंड सेट एंड स्कैन लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पर पीछे साइड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ये ऑक्स केबल का पोर्ट और यहाँ पर माइक के लिए आपको पोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको लाइन और माइक का स्विच करने के लिए बटन मिल जाता है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस के लिए आपको एक नॉब देखने को मिलता है और ये आपको मिल जाता है एडाप्टर यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर 12 ओल्ड एडाप्टर यूज़ कर रहा हूँ। और आपको एक केबल मिल जाता है कुछ इस तरह से, ऑक्स का केबल मिल जाता है। तो सबसे पहले इसको हम पावर दे देंगे, 12 वोल्ट इसके साथ आता है, जो 12 वोल्ट डीसी एडाप्टर है उसके साथ मैंने अटैच कर दिया है और ये 11 फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डला हुआ है, ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे सेट करेंगे और उसके बाद ये ऐसा कुछ चेंज हो जाता है, माइनस करने से ये कम हो जाएगा। तो मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट जैसे रहता है वैसे ही रख देता हूँ। आप इसको देख सकते हैं, ये है ट्रांसमीटर, ये आपका रिसीवर हो गया और ये हो गया ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर में यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिल जाता है और यहाँ पर एक और स्विच मिल जाता है जो माइक को ऑन और ऑफ करने का है, लेकिन ट्रांसमीटर ऑफ करने के लिए यहाँ पर पावर बटन है और इसको सिंक्रोनाइज करने के लिए यहाँ पर सिंक्रोनाइज बटन है। तो यही मेन है, सिंक्रोनाइज और पावर। इसमें आपको दो बैटरी लगता है, डबल ए बैटरी दो आपको लग जाता है इसमें। तो यहाँ पर आपको -10 GB, -20 GB, -30 GB आपको देखने को मिल जाता है, जिससे आप नॉइस कैंसिलेशन इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे अभी मैं -20 DB पर रखा हुआ, आप देख सकते हैं -20 DB आपको देखने को मिल जाता है। तो जैसे मैं इसको पावर ऑन करूँगा तो यहाँ पर LED ब्लिंक होगा, जैसे यहाँ पर ग्रीन ब्लिंक हो रहा है, अगर रेड होता है तो ये कनेक्टेड नहीं होता है। और यहाँ पर अगर 11 लिखा है इस रिसीवर पर तो यहाँ भी जो डिस्प्ले है इसमें भी 11 लिखा होना चाहिए, मीन जो फ्रिक्वेंसी वहाँ है ये फ्रिक्वेंसी यहाँ भी सेट होना चाहिए। और यहाँ पर जो बटन है, आपको जो यहाँ पर ग्रीन एक माइक का सिंबल देख रहा होगा वो हमेशा ग्रीन रहना चाहिए और वो विजिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये रेड वाला दिखे, आपको ये ग्रीन वाला दिखना चाहिए जो सिंबल है, तभी ये वायरलेस माइक को सपोर्ट करेगा। तो मैं इस हेडफोन को जो मैंने हेड में अपने लगाया है उसको यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, जैसे इंसर्ट कर देता हूँ, जैसे ये हो गया, अभी इसको लगा दिया है मैंने, उसके बाद इसको ऑन किया है मैंने। अगर इस सिंक्रोनाइज करने के लिए बहुत ईजी वे है, सिंक्रोनाइज बटन को आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना होगा और सेम यहाँ पर है सिंक्रोनाइज का बटन को प्रेस करना होगा तो ये सिंक हो जाएगा और ये आपका वायरलेस माइक रेडी है। कुछ इस तरह से बंद हो जाता है, आप यहाँ पर रख सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं। तो जैसे आप अब इसका साउंड आपको सुना कर देखता हूँ,
अब इसके बाद जो साउंड आएगा वो इससे आएगा, और व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन दिस डिजिटेक माइक वी एंड दिस माइक वायरलेस माइक, तो ये आपको डिफरेंशिएट करना होगा क्योंकि मैं अभी नहीं कर सकता। तो चलिए गाइस, सबसे पहले यहाँ पर हम अटैच कर लेते हैं एक। तो गाइस यहाँ पर मैंने ऑक्स का केबल है जो जेन्युइन इस बॉक्स में आया था, ये ऑक्स केबल, लेकिन जो कनेक्टर है मैंने बोया सॉरी डिजिटेक माइक में आया था वो कनेक्टर को इंसर्ट किया है। देखिए यहाँ से ये आवाज़ आ रहा है और ये लाइन बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने कनेक्टर को इंसर्ट, मतलब ये कन्वर्टर बोल सकते हैं, जो 3 पॉइंट दिया रहता है वो 4 पॉइंट इसमें दिया रहता है। अगर कन्वर्टर की बात करें तो 4 पॉइंट जो कि मोबाइल के लिए सूटेबल है, एनी लैपटॉप के लिए सूटेबल है। तो इसी कारण आपका जो कंप्यूटर या फिर आप जिसमें भी आप इंसर्ट करते हैं इस ऑक्स केबल को, वहाँ साउंड नहीं आता और आपका डिवाइस नहीं बताता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइस अभी आप जो सुन रहे हैं वॉइस वो डायरेक्ट आ रहा है इस माइक्रोफोन से, जो कि वायरलेस माइक्रोफोन है XS Wireless 1, जो कि सेनहाइजर से है। तो गाइस हेलो, चेक हेलो, माइक चेक हेलो, कैसा आपको लग रहा है? बिना मतलब एडिटिंग करे हुए जो ये साउंड आप सुन पा रहे हैं डायरेक्टली, और मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे मोबाइल पर, मैंने PC से इंसर्ट नहीं किया है इसको। OBS सॉफ्टवेयर से भी आप इंसर्ट कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि OBS सॉफ्टवेयर से इसको इंसर्ट करके आपको OBS सॉफ्टवेयर में कैसे लाया जाए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर आपको दे दिया जाएगा, आपको दे देंगे। तो गाइस ये जो वायरलेस माइक है बहुत अच्छा माइक है, आप इसको कहीं भी जाकर यूज़ कर सकते हैं, और लो नॉइज़ मतलब आपको नॉइज़ सुनाई नहीं देगा, नॉइज़ कैंसिलेशन करके देता है, यहाँ पर अवेलेबल है उसका बटन, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें वॉल्यूम डाउन है, जैसे मैं अभी 6, 5, 4, 3, 2 में कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें अभी जो वॉल्यूम डाउन हो गया, अब इंक्रीज़ कर रहा हूँ 8, 9, तो ये है वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम अप का बटन, जिससे आपका वॉल्यूम डाउन होता है और अप होता है। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।